कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से गुलबर्गा शहर में ईद मिलाद प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कई उलमाए किराम मुख्तलिफ पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल पार्टीज के जिम्मेदारों के अलावा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब के धर्मगुरु और कई दीगर लोग यहां मौजूद थे, जिसमें स्वामी कर्णेश्वर जी महाराज, फादर दीपक फर्टाडो, मौलाना विकार अशरफी, गुरमीत सिंह सलूजा, मेहराजुद्दीन पटेल, संतोष दुधवानी और नासिर हुसैन उस्ताद के अलावा फहीम पीरजादा, अनिस सिद्दीकी, अजीजुल्ला सरमस्त और दीगर लोग इस प्रोग्राम में मौजूद थे। और कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम से जनाब अजीमुद्दीन एडवोकेट, अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट, नासिर मौलाना, शाहनवाज खान शाहीन, अनवर सिलेदार, अब्दुल अलीम, सैयद नैयर खुर्शीद, अफजल महमूद और दीगर कई लोग यहां मौजूद थे। इस दौरान ईद मिलाद की खुशियां मनाई गई और साथ ही एमपी इलेक्शन के माहौल को देख सियासी हालात पर बात की गई है। खासकर मौलाना विकार अशरफी, अजीजुल्ला सरमस्त और नासिर हुसैन उस्ताद ने मुस्लिम लीडरशिप और दीगर कई पॉलिटिकल इश्यूज पर बात करते हुए एक ऐलान कर कहा, आने वाले 16 अप्रैल को इसी जगह पर एक सियासी मशवरती इजलास ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें तमाम लोगों के मशवरों के साथ नासिर हुसैन उस्ताद ने एक बड़ा फैसला लेने का ऐलान किया है। मजीद इस प्रोग्राम के जरिए तमाम लोगों ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। बताइए, पार्लियामानी इंतखाबात करीब है, कितने मुसलमानों को कौन सी पार्टी ने कितने टिकट दिए है? कौम को धोखा देते हो, कौम को फरेब देते हो, है? मेरी निगाहों में वो लोग है, मैं जानता हूं ये कौम के वफादार नहीं है, कौम को जुल्मत के जाल में ढकेल रहे हैं, कौम को फरेब दे रहे हैं, कौम को धोखा दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कौम का दर्द होता, कौम का एहसास होता तो बेबाकाना अंदाज में कौम के मसाइल पे आवाज उठाई जाती। कहां है, सोचिए आप, हर हर हाशिया बिगड़ा हुआ है, माहौल बिगड़ा हुआ है, दाढ़ियों से लेकर चोटियों तक पूरा मामला खराब है, कौन करे? तो आप सोचिए, आपके मुल्क के किसी बाशिंदे को, चाहे वो किसी मजहब से रहता हो, अगर उसे तकलीफ हुई है तो आपके दिल को ठेस लगे, आप उसके लिए तैयार हो जाए। हम मफादात आम्मा को देखेंगे, कौम के मफादात को देखेंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को देखेंगे, हम हमारे मुल्क की, हमारे रियासत की, हमारे जिले की तरक्की के मुताबिक सोचेंगे। आज जरूरत है और ये ईद मिलाद का जो प्रोग्राम रखा जाए, मैं मुबारकबाद दूंगा कर्नाटका पॉलिटिकल फोरम को, क्या ऐसे मुतादी जलसे अब रखने की जरूरत है, कौम में शऊर बेदार करने की जरूरत है। किसानों ने कितना जबरदस्त एहतजाज किया, कितने मुसलमानों ने, कितनी सूफियों ने, कितने उलमा ने, कितने कायदों ने किसानों का साथ दिया। हम सिर्फ अपना रोना ही रोते रहते हैं, अपने मसाइल बयान करते रहते हैं दूसरों के मसाइल में। अभी पड़ोसी की बात कही गई तो इसमें भी ये बात शामिल है कि जो जुल्म का शिकार मजलूम कौमें हैं, तफात है, उनका भी साथ देने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ते और यही वजह है कि आज हमारे हालात नहीं बदल रहे हैं। और यकीनन वो दिन आएगा, जिस तरह के वाकयात मौलाना विकार अशरफी साहब ने बताया, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यकीनन वो दिन आएगा कि असम्बलियाँ और पार्लियामेंट एमपीज मुस्लिम एमपीज और मुस्लिम एमएलए से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए हमको होश लेने की जरूरत है। शुक्रिया। हलाल का झटका कट के नाम पर इलेक्शन हुआ, अब इलेक्शन होकर के आज बरसर इक्तदार पे आने वाले लोग, हमारी पूरी जमातें, फखर है उन पर, सलाम है उनको, इतिहाद की दावत की उन्होंने, सलाम है, मगर हुकूमत में कांग्रेस को जिताया, सलाम है उनके इतिहाद पर, उनके फैसले पर भी सलाम है, मगर इन एक साल में किसी जमात ने, किसी मुस्लिम लीडर ने फिर कुल जमाती एक मीटिंग करके उनसे पूछा है कि 4% रिजर्वेशन का मामला क्यों रुका हुआ है? एक साल गुजर गया, हमारे नौजवान मुस्लिम बच्चे इस साल मेडिकल एडमिशन से महरूम रह गए हैं, बीडीएस सीट से महरूम रह गए हैं, इंजीनियरिंग सीट से महरूम रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? जहनी सुकून चाहते हो, था में गफलत में हो, इत्मीनान चाहते हो कि भाई हां कांग्रेस आई गई बस। अरे भाई,
आज कांग्रेस है, कल जेडीएस है, कल एमआईएम आएगी, बहुजन समाज पार्टी आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी। सवाल पूछिए, जब वोट डालते हैं तो पूछना चाहिए कि भाई आपको इन इश्यूज पे जिताया गया, आपने इन इश्यूज पे क्या काम किया। एक मामूली सर्कुलर नोटिफिकेशन हमारी बहन मुस्कान को पूरी दुनिया जानती है, जिसने उन आरएसएस के बातचीतों के सामने नारा बुलंद किया। एक साल होने के बावजूद उस सर्कुलर को, उस नोटिफिकेशन को वापस लेने का काम कांग्रेस नहीं करती, इसके जिम्मेदार कौन है? कितना मजबूर हो गए हैं हम लोग, कितने मजबूर हो गए हैं हम लोग। हमको हमारे इश्यूज पर बात करने की ताकत नहीं। आप दावत देता हूं, कुल जमात की जो मीटिंग होती है, मीटिंग कीजिए आप, जितने जमातें हैं मीटिंग कीजिए, हुकूमत को एक सवाल, एक मेमोरेंडम, एक ऐलान कीजिए कि इस इलेक्शन में हम पूरे मुसलमान आपका साथ देंगे। पूछिए उनसे 15 दिन के अंदर ये 4% रिजर्वेशन का मामला कैबिनेट के सामने रखिएगा, आप कैंसिल करेंगे? बसवराज बोम्मई, ये बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है, हमारे खिलाफ करे, आप क्या कर रहे हैं जो हमारे हमदर्द बने फिरे हैं? तो ऐसे बहुत से मामला थे जिनके ऊपर फिक्र करनी चाहिए। मैं इसीलिए बता रहा हूं, हर खाम ने अपनी अपनी लीडरशिप को आगे किया है। 95% वोट देकर के क्या हिस्सेदारी हमको मिली है, इसकी बातचीत, सियासी बातचीत हम बाद में करेंगे। मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के सदर जब्बार गोला साहब का मैं फिर एक बार बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इतने प्यारी प्रोग्राम को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और कुछ ही दिनों में, 3 दिन में इंशाल्लाह 16 तारीख को फिर इंशाल्लाह यहीं पर हमारी सियासी मीटिंग भी होगी। वहाँ पर सियासी तौर पर मैं बोलने वाला नहीं हूँ, मैं लोगों की राय लेने के लिए। अजीबुद्दीन साहब, हुआ तो आप भी वक्त देकर के आइए इंशाल्लाह 16 तारीख को। आप किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, आप तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, शहर के जिम्मेदार लोग हैं, वो भी आइए। और मुझे आगे क्या करना है उसकी रहनुमाई कीजिए और मुझे जहन दीजिए। तमाम सोशल मीडिया के आपके चैनल के जरिए से मैं आपको बता रहा हूं कि इंशाल्लाह 16 तारीख को यहीं पर मीटिंग करेंगे। फिर जिन्होंने मुझे साथ दिया है, जो मेरे पार्टी के अंदर है, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है, जो समझते हैं कि जो है मिल्लत के हमदर्द हैं, उन तमाम लोगों को दावत इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को बाद मगरिब इसी जगह पे मीटिंग करके इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि रमजान का महीना, बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया है घर पे, क्या सोचे नासिर भाई, क्या मामला है, एमपी इलेक्शन आया, कैसा करना, क्या करना, वो सारे सवालों का जवाब इंशाअल्लाह सब बैठ करके ओपन डिस्कशन कर करके इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को यहां पर मीटिंग होगी। तमाम लोगों की राय लेकर के इंशाअल्लाह ताला एक फैसला करने का काम, आपकी सजेशन को लेकर के इंशाअल्लाह काम करूंगा। कहते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं कि ये जो पर्टिकुलरली ये ऐसे जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करते हैं, ओनली इसका पर्पस, ओनली पर्पस ये है कि हिंदू मुस्लिम ह्यूमैनिटी के बारे में बात करना, हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, हमारे जो इंडिया में, भारत में जो वातावरण जो खराब किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम हर एक रोज देखो नफरत की बात, सियासत की बात, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात, सेकुलरिज्म की बात, क्रिमिनलिज्म की बात आती है, वो चीज नहीं आना चाहिए। हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब में पहचाना जाता है पूरी दुनिया में, प्रॉपर वे करना चाहिए, ग्राउंड लेवल से, जमीन से काम करने वाला लोग हमें चाहिए। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं सबसे ज्यादा मैं धर्म गुरुओं के ऊपर ही बात करता हूं, क्योंकि हम लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। आम लोगों के तक जाके जो सिर्फ इंसान नाते से, कोई धर्म नहीं, मजहब नहीं, मैं जब भी नॉन मुस्लिम धर्म गुरु में लग जाता हूँ उनको बोलता हूँ मैं, तुम लोग सभी धर्म में जाके काम करो, सभी इंसानों में जाके काम करो। और मौलवी से भी मैं गुजारिश करता हूँ, आप नॉन मुसलमानों में जाकर आप मुसलमान का जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार करो। मैंगलोर में जैसे कॉन्वेंट स्कूल में लेसन कर रहे थे सिस्टर जी, वो कैसे मोबाइल में डाइल्यूट करके उनका सब और रिकॉर्डिंग डाइल्यूट करके कैसे इश्यू बनाए, उसके बाद में हमको पता है हमारे मुस्लिम भाई पहले आए और उनको बोले हम आपके साथ हैं। क्योंकि हमको पता रहना चाहिए ये सभी लोग, उनका एक ही मकसद है कि हम डिवाइड होकर
उनको इलेक्शन में केसाई को उनका उनका एजेंडा है वो फुलफिल करना है। उस तरफ मैं आपको सबको यही हमारा इस तरफ पहले ही बोला हमारे सर ने सेकुलर, हम सब लोग को सेकुलर बन के उन्हीं एक ही मकसद से हमको इस देश को आगे चलना है। हम सभी एक ही है, हमारा एक ही, हम सब भाई बहन है, क्योंकि हमारा सबका एक ही मकसद ये देश बढ़ना है। मजहब को काटने की बात, मजहब से मजहब को टकराने की बात कहीं धर्म भी नहीं मिलती, फिर हमारा तकरार किस बात से होना चाहिए? इंसानियत की बात होना चाहिए, मान्यता की बात होना चाहिए। हर धर्म यही पैगाम देता है, यही मैसेज देता है, इसको कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है, आम करने की जरूरत है। यही मकसद से हम लोग ऐसे प्रोग्राम अरेंज करते हैं। हम लोग एक तरफ होके जो है, अगर हमारे लोग जो है जहाँ मेजोरिटी में हैं, अपने दलित भाई, क्रिश्चियंस भाई, बैकवर्ड भाई को अगर लेके हम अगर तंजीमी तौर पे काम करते तो आज वाकई भी हम भी जो है ना उनके बराबर ठहरे रहते थे, क्योंकि हमारे पास थिंक टैंक्स नहीं है और हम जो है बहके बहके ख्याल में गुजर रहे हैं। हमारा ख्वाबो ख्याल जिंदगी जो है कोई ये तंजीमी थिंक टैंक्स भी नहीं है और हम उस बारे में सोचते भी नहीं, सोचते भी हैं तो सिर्फ हमारी वाहवा के सिवा कुछ भी नहीं। हम ज़मीनी कामों को करना चाहिए और हमें चाहिए कि जो है छोटे मोटे प्रोग्राम जो है ना रखा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज ईद मिलाप कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से बरोज़ हफ्ता ईद के तीसरे दिन मुनाकिद किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कई सारे ईद मिलाप मैंने भी अटेंड किए हैं, लेकिन आज का ईद मिलाप में ख़ासकर ये वजह से कामयाब कहा जा सकता है कि इसमें गैर मुस्लिमीन की तादाद बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रही, और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये ईद मिलाप जो कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से रखा गया वो बहुत कामयाब रहा। मैं कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से ईद मिलाप रखने का मकसद बस यही है कि मुल्क में अमन अमान कायम रहे, गैर मुस्लिम और मुस्लिम में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये जो नारा है वो बरकरार रहे और दायम कायम रहे। इसी मकसद को लेकर हम लोगों ने ये तय किया कि हालात जिस तरीके से पैदा किए जा रहे हैं कि इंतशार पैदा किया जाए, नफ़रतों को फैलाया जाए, लोगों के दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ में नफ़रत पैदा की जाए, उसको दूर करने के लिए और एक दूसरे के लिए एक हमदर्दी और मोहब्बत का एक एहसास पैदा हो, इस मकसद से कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने आज ये इजलास मुनाकिद किया। और ये मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ तमाम तर जो मेहमान यहाँ पर शिरकत किए और तमाम तर जो हाजरीन रहे वो भी बहुत अच्छे लोग रहे और बहुत इत्मीनान से उन्होंने यहाँ पर जितने भी खिताब हुए उनको सुना। तमाम तर जो पार्टीज़ के ज़िम्मेदार यहाँ पर आए थे, चाहे वो SDPI हो, मुस्लिम लीग हो, SUCI हो और दीगर जो पार्टीज़ रहे हैं, जनता दल सेकुलर के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे और नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने इस यहाँ पर अच्छा खिताब भी किया है और साथ ही साथ उलमा का भी जो खिताब रहा है वो जामे तरीन रहा है। बिलखसूस रईसुल खुतबा मौलाना विकार अशरफी साहब ने जो खिताब किया उस पर तमाम तर लोगों को गौर व फिक्र करना चाहिए। मिल्लत को, हम लोगों को किस तरीके से मुत्तहिद भी रखना है और साथ ही साथ अपनी बात को लोगों से मनवाना, हुकूमतों से मनवाना, ये काम बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो हम लोग हमारी जो इत्तेहाद की ताकत है उसको ज़ाया करेंगे। ये पैगाम यहाँ से हम लोग देना चाहते हैं, आप लोग अमन अमान में रहें और इस हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम और दायम रखें और इस मुल्क में मुसलमानों, गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते हुए इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। इसी पैगाम के साथ मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अमन अमान के साथ में आने वाले इंतखाबात में अपना हिस्सा लें और कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga.